फाइट सबनों बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद पूरे इंडिया को। एंड आप सबकी वजह से मैं बहुत भारत देश में बहुत प्यार पा रही हूँ। सो थैंक यू सो मच। मुझे पता चला कि लोगों को मेरी जर्नी बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि सब कह रहे हैं मैं बहुत नेचुरल थी घर के अंदर। एंड मुझे बहुत एक्साइटमेंट है कि मैंने टॉप किया सब गर्ल्स के अंदर भी। सो या बॉयज थोड़ा सा आगे रह गए, पर गर्ल्स की वाइब तो यही है ना मनारा में। अंकिता जी ने बहुत अच्छा गेम खेला एंड उन्होंने तो बहुत बड़ी बिग बॉस की फैन भी रही हैं एंड उनको पता था कि गेम के बारे में कैसा करना है। एंड सब प्लस वो एज अ कपल आई थी विक्की भाई के साथ, मैं तो इंडिविजुअली घर पे अकेले गई थी और मेरे घर पे बहुत मजे करे हैं। मेरे लिए 3 महीने बिल्कुल मज़ेदार और एकदम हॉलीडे वाले थे। और करते 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 मैंने, यस आपने जैसे बोला, मैंने उन्हें बीट करा, तो मैं इसके लिए बस ग्रैटिट्यूड हूँ एंड बट ऑल द लव टू अंकिता जी। ये कहा गया कि मुनावर की वजह से आप टॉप 5 तक पहुँचे। सच्ची ऐसे थोड़ी ना होता है कि उसकी वजह से पहुंची। मेरा गेम इंडिविजुअली भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, एंटरटेनिंग तो मैं थी एंड हमेशा वीकेंड के बाद पे सलमान सर से अच्छी बातें सुनने को मिलती थी। कभी कभी जब गलत होता था तो मेरे को सर हमेशा करेक्ट करते थे। एंड मेरा बिग बॉस में सिलेक्शन हुआ है तो जिस तरह की मेरी पर्सनैलिटी है उसकी वजह से हुआ है, और मुनावर से मेरी दोस्ती हुई है तो उसकी भी मेरे साथ हुई है। सो आई थिंक फ्रेंडशिप कभी एक वे नहीं होती, दोनों वे से होती। मुनावर लेकिन कहीं ना कहीं आप मुनावर के साथ ही नजर आई और मुनावर ने आपको बहुत राय मशवरा दिया इनिशियल डेज में। लगता था कई लोगों को कि आप दोनों का अच्छा चलेगा, बट आगे जैसे जैसे शो बढ़ता गया आपको कन्वीनियंस के हिसाब से मुनावर को अपना फ्रेंडशिप जोन में लाने लगी, और तो और जब मुनावर की पर्सनल लाइफ आने लगी तब उनकी पर्सनल लाइफ से भी आपको प्रॉब्लम हो गया। आप जैसे बात ना करें तब भी आपको प्रॉब्लम हो गया, तो ये सब कन्वीनियंस के हिसाब से ही लोगों को लगा। तो इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? तो मैं जब एक्चुअली बताऊँ, मैं रियल लाइफ में बहुत जज्बाती इंसान हूँ। अगर मैं किसी को दोस्त मान लेती हूँ तो मैं उनके लिए बहुत, मतलब मुझे लगता है कि मेरे घर से रिश्तेदार आए हैं। तो हाँ, मुनव्वर ने मुझे बहुत हेल्प करा, क्योंकि मेरे बिग बॉस का सच्ची में मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। और जब वहाँ पे एक्चुअली जब आप लोग टीवी पे देखते हो ना, तो जब कोई लड़ता है ना तो अलग आवाज़ें हो लगती हैं, बट जब आप वहाँ पे बैठ के फील करते हो इट्स अ वेरी डिफरेंट इमोशन। सो आई एम ग्रेटफुल कि वो वहाँ पे था। उनके अलावा भी और भी बहुत लोग थे, आई थिंक तहलका भाई हमेशा था, मेरे पूरे जो जिनको मैं कहती हूँ माइके वाले वो सब थे वहाँ पे, अरुण भाई थे और बहुत सारे लोग थे। सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और बहुत प्यार दिया। कुछ लड़ाइयाँ हुई, बट जहाँ तक आप बोल रहे हो कि मैं कन्वीनियंस के हिसाब से तो मैं कभी काम भी ना करूँ। जो काम पसंद होता है रियल लाइफ में भी वही काम करती हूँ सिलेक्टेड। तो आई डोंट थिंक कि मैंने कभी भी बिग बॉस के घर पे कन्वीनियंस के हिसाब से दोस्तियाँ चेंज कर ली। अच्छा, तो मैं सीधा बोलती हूँ, मैं इतनी कोई परफेक्ट लड़की नहीं हूँ। मैं जो हूँ मैं ऐसी सी ही हूँ। अगर मैं किसी के साथ 6 घंटे कहते अनुराग के साथ बैठ के बातें करी थी, तो ऑफकोर्स अगर मुनव्वर और अनुराग दोनों ही मेरे दोस्त थे शो में,
तो ऑफकोर्स दोनों की एक आधी बात आई होगी इधर से उधर, एंड आई डोंट थिंक इसमें कुछ रॉन्ग है, बिकॉज रियल लाइफ में भी आप सबके साथ होता होगा ना, अगर एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है तो आप इधर की बात थोड़ी उधर, उधर की उधर, ऐसा नहीं, उन दोनों की भी बहुत अच्छी दोस्ती थी, वो लोग भी आपस में, उनका भी कोई ट्रैक रहा होगा जो मुझे घर जाके पता चलेगा, बट आई थिंक मैंने दोनों के साथ अच्छे से दोस्ती निभाई। अब देखना ये है कि घर के बाहर वो लोग दोस्ती निभाते हैं। हमने देखा उसके बाद आप काफी बार रोए क्या, और आपके आपके फैंस कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी बायस थी, आपको क्या लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस बायस थी क्या, आपके अटैक हो रहे थे ऐसा फैंस का मानना था, और आप काफी इमोशनल थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, क्या कहना चाहोगे? तो बेसिकली अभी तक मेरे सिर्फ यू नो मूवीज के लिए, मोस्टली तो हैदराबाद में मूवीज के लिए इंटरव्यू करा है, तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी तो एक्चुअली घर के अंदर डांस वांस करी थी, सब लोग रेस्ट कर रहे थे, मैं डांस वांस करी थी, मुझे तो पता भी नहीं था क्या होने वाला है, मुझे लग रहा था कि वहाँ पे पूछेंगे कि यू नो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस एंड ऑल दैट, एक व्हाट इज योर एक्सपीरियंस और ये सब, बट जब वहाँ पे ढिशक्या और क्वेश्चन आने लगे मैं तो डर गई, एंड जो विक्की भाई के लिए क्वेश्चन आए मुझे बहुत अजीब सा फील होने लग गया, एंड आई थिंक मैं बहुत लो हो गई, बिकॉज रियली विक्की भाई के साथ एक ऐसी बॉन्डिंग थी, क्योंकि जब मुनावर वगैरह अपनी लाइफ में मूव ऑन हो गए, जब उनके बाहर के रिश्ते आए तो विक्की भाई ईशा समर्थ वहाँ पे होते थे, हम लोग कॉफ़ियाँ पीते थे एंड यू नो चाय बनाते थे, तो मुझे उनके लिए भी बहुत बुरा लग रहा था एंड अपने लिए भी लग रहा था कि यार मतलब नॉर्मल सी बात को इतना अजीब तरीके से बाहर जा रही है। तो आई थिंक मैंने पहली बार हमेशा मीडिया में अपने लिए बहुत सारा प्यार ही देखा है इवेंट्स पे पोस्ट करते हुए, जैसे मैं अभी कर रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बिकॉज दिस इज अ जनरल थिंग विच आई हैव सीन, बट अगर वहाँ पे ऐसा हुआ तो आई शायद मैं रेडी ही नहीं थी, शायद मैं पहले का बिग बॉस देखती और पता चलता कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कितनी हार्ड हिटिंग होती है, बिकॉज दे वर नॉट लाइक प्रेस, दे वर एक्चुअली लाइक हार्डकोर फैंस ऑफ बिग बॉस, तो शायद मैं बहुत ड्रेन्ड हो गई थी, अगले दिन मैंने कहा हाय मुझसे उठा भी नहीं जा रहा, सो बट या देखो मेरे को बातें करने का बहुत शौक है और मैं जहाँ भी जाती हूँ बातें कर सकती हूँ, अभी भी इंटरव्यू 4 घंटे चले तो मैं आराम से बात कर लूंगी, तो ऑफकोर्स विक्की अंकिता बार बात करेगी तो मैं क्यों पना करूंगी यार। अच्छा ये भी कहा गया कि जब मुनावर से दाल नहीं गली तो आप विक्की भैया का सहारा लो। मुनावर से दाल नहीं गली, अरे नहीं 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 नहीं, वो दाल बहुत अच्छी कहलाता है, उसको खाना बनाने का बहुत शौक था शो में, और वो कुकर में सीटियाँ डाल डाल के अच्छे से दाल गलाता है, तो मुनावर की दाल है तो कैसी नहीं गलेगी, बट आई थिंक शो का फॉर्मेट ही कुछ ऐसा था कि मैं बहुत जज्बाती हो गई थी, और जब मैंने मुनव्वर से डिस्कस करा कि मुझे नहीं लगता कि आप मेरे को, मैं उसको बाहर से फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी जानती नहीं थी, मैं उसको शो के अंदर ही मिली हूँ और मुझे उसका प्रोफेशन वगैरह भी इतना पता नहीं था, लाइक स्टैंड अप देखते हैं हम लोग बट उनका नाम किसका क्या यू नो लाइक, अब मैं जाके बहुत स्टैंड अप देखूँगी, बट मैंने नॉलेज के लिए कि ये भी एक प्रोफेशन होता है जो आजकल बहुत सीरियस हो गया है, ये थैंक यू मैंने दी फॉर सपोर्टिंग मी, ओके ओके सो थैंक यू मैंने दी फॉर सपोर्टिंग मी, आपने मुझे सपोर्ट करा, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मैंने अपनी पर्सनालिटी से अपनी रिस्पेक्ट भी रखी शो पे और अपनी फैमिली की भी, सो थैंक यू मिमी दीदी एंड लोड्स ऑफ लव टू मालती। ओ तो फिर आप उनसे जाके पूछो, मुझे नहीं पता और अब
अब हम मिलते रहेंगे, पारी करते रहेंगे। हाँ, मैं खतरों के खिलाड़ी को होस्ट करना चाहती हूँ। मेरे लिए फन सेगमेंट बनाओ ताकि मैं जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं जो एक्चुअली खतरों से आए, अपने खतरों के स्टंट्स करके उनको थोड़ा लाइटन अप करने के लिए मनाड़ा की वाइब तो चाहिए ना। मुनावर के जीतने पे आपका क्या रिएक्शन है? Are you happy? Yeah, me the best person win and of course I wish him all the best. अब वो जीत गया है तो आई एम श्योर वो बाहर आके अपनी लाइफ को एक रीस्टार्ट देगा। एंड जो उसने एक नैरेटिव सेट करा था और अब जो वो शो से कहता है कि मैं शो से कुछ नया सीख के जाऊंगा, आई होप वो अपनी लाइफ में अच्छी करेक्शंस करे। थैंक यू।